हाउ टू कंसंट्रेट माई सेल्फ, मैं कैसे कंसंट्रेट करूं अपने काम पे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सबका प्रॉब्लम है कि वो जब काम कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेट ही नहीं हो पाते, उनकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। कुछ लोगों को जब वो काम कर रहे होते हैं उस समय दूसरे दूसरे चीज दिमाग में चल रहे होते हैं, कुछ लोग उनके पिछले बात को नहीं भूल पाते हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल बात को नहीं भूल पाते हैं, और जब वो पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं उस समय उनके दिमाग में पर्सनल बातें या वो बात चलते रहता है जो बात उनको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। देखो इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, इसको मैं दूसरे तरीका से समझाता हूँ। ये घर, ये पूरा बिल्डिंग तुम्हारा ब्रेन है। इसमें एक रूम है जिसमें KYP के थ्योरी चलते हैं, एक में लैब चलते हैं, एक में इंग्लिश की क्लास चलते, एक में आधार चलते, दूसरे में ऑफिस है और उसके बाद कॉम्पिटेटिव क्लास चलते हैं। ये ब्रेन है तुम्हारा। कितने सारे काम हो रहे हैं? 6 काम अभी मान लेता हूँ मैं। लेकिन जब इससे बाहर जाने के लिए कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजे हैं, उसी दरवाजे से तुम बाहर जाते हो। फॉर्चुनेटली जिसको अंदर आना है इस 6 काम के लिए वो भी उसी दरवाजे से आता है। तो कई दफा जब आप निकल रहे होते हो तभी उधर से कुछ लोग आ रहे होते हैं और उसमें कंजेशन हो जाता है, आप वहीं पर गामा गमी हो जाता है, परेशान हो जाता है और कई दफा आप अपने आप को डेविएट कर लेते हो। लेकिन इसमें अंदर आ गए, जैसे भी इसमें अंदर आ गया, उसके बाद किसी भी रूम में जाने हैं तो तुमको कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब रूम में बड़े दरवाजे हैं और सब रूम में आराम से आ जा रहे हो, यहाँ कंजेशन और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमारा कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास गोल तो एक होना चाहिए, लेकिन उस गोल सेट करने के बाद हमारा हमेशा से जिस क्लास में जब चल रहे हो, जिस बात को जब सोच रहे हो उसी तक छोड़ देना है। अगर KYP के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव के भी स्टूडेंट हैं तो KYP की क्लास से निकलने के बाद जब हम इंग्लिश की क्लास में जाएंगे तो कौन सा KYP हम भूल जाना है हमको, जब इंग्लिश के क्लास से कंपटीशन के क्लास में जाएंगे तो कौन से इंग्लिश के क्लास हमको भूल जाना है, और जब यहाँ से निकलेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हम क्लास में थे, हमको याद क्या करना है, सामने गेट है और हमको सीढ़ी उतर के घर जाना है। जब ये आदत डाल लेंगे हम तो हमारा ब्रेन कभी भी कंजेशन नहीं होगा और हमेशा हम कंसंट्रेट रहेंगे। जिस काम को जब कर रहे होंगे वही काम उस समय याद आएगा, दूसरा काम हमको याद आ ही नहीं सकता जब तक हम याद नहीं करना चाहें। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन का, को बहाने में जीता है, वो काम को जबरदस्ती याद करता है। जब पढ़ रहा होता है, मैथ्स बना रहा होता है, अपने ब्रेन को कर रहा होता है, आज मेरे बगल वाला बैठा हुआ कैसा व्यवहार किया है, मैथ्स बना रहता है, क्वेश्चन सामने है, लेकिन वो ब्रेन को जबरदस्ती कंपेल क्या कर रहा है, बगल वाला ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। क्लास में बैठा हुआ होता है, क्लास के लेक्चर चल रहे होते हैं, उस समय अपने ब्रेन को देता है कि अच्छा मेरे रास्ते में किसने मुझे कमेंट करा था, उसको कैसे सबक सिखाना है। ये हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको सबसे पहले जो जहाँ का काम है वहीं पर उसको छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करे, बहुत लोगों को मैं आदत देखता हूँ जो मेरे से जुड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं घर पे पहुँचते हैं और घर पे पहुँच के क्या करते हैं, वो काम को डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत पहले एक यहाँ पे स्टाफ है और वो कभी पढ़ाया करती थी, तो उसको देखता था, वो जब पढ़ती थी यहाँ पे तो पढ़ा के आती थी, उसके बाद वो चर्चा किसके बारे में करती थी, स्कूल के बारे में, अपने ग्रुप में चर्चा करती थी, स्कूल में ये हो गया दिस हो गया दैट हो गया। तो मैंने उसको समझाया था एक दिन कि देखो तुम जो वहाँ पर करके आए वहाँ छोड़ दो उसको, अब भी जो तुम कर रहे हो इसको जब स्कूल में जाना तो वहीं यहीं छोड़ देना, इसको लेके मत जाना। अगर एक आदत नहीं डालोगे तो तुम्हारे लाइफ में कंसंट्रेशन कभी भी नहीं होगा। सो एक सबसे पहला बात और अंतिम बात यह है तुम्हारे लाइफ का कि जो जिस काम को कर रहे हो वहीं पर छोड़ दो, आइडिया तभी पनपेंगे, आइडिया तभी आएंगे, कंसंट्रेशन तभी होगा। जहाँ जो कर रहे हैं वहाँ छोड़ना होगा। अगर मार्केट में लड़ाई हो गई तो मार्केट की बात घर पर नहीं पहुँचना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से क्लास की बात मार्केट में नहीं पहुँचना चाहिए। कई दफ़ा आप क्लास के बाद मार्केट में शेयर करते हो, आप क्लास करके चले गए, आपके कोई बैचमेंट मिल जाता है, पता है तू नहीं गया था, तो नहीं, अच्छा क्लास में ये हुआ वो हुआ दिस हुआ दैट हुआ, नहीं, इस चीज़ को भी बंद करें आप लोग, इससे आपको नुकसान है।
इससे आपका ब्रेन कभी कंसंट्रेट होगा ही नहीं, आपकी क्लास की बात बस क्लास तक। हाँ कहोगे सर हमको पढ़ना है, हमको याद करना है, ठीक है, उसके लिए आप एक टाइम बना लीजिए जब क्लास की बात आपको याद करना है, वो कंसंट्रेट होकर आप क्लास को याद कर लीजिए, लेकिन जिस काम को जहाँ कर रहे हैं वहीं छोड़ो, ये आदत बना लो, तब एक से अधिक काम भी करके कंसंट्रेट हो सकते हो।